हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग नंबर फर्स्ट। ड्राइंग नंबर फर्स्ट में आपके सिलेबस में दे रखा है स्टील रूफ ट्रस। अब स्टील रूफ ट्रस के अंतर्गत हमको पढ़ना है फिंक ट्रस। तो फिंक ट्रस जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं, एक होती है 12 मीटर स्पान तक और एक होती है 12 से 20 मीटर स्पान तक। तो इसका नाम फिंक ट्रस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे अल्बर्ट फिंक ने डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम फिंक ट्रस होता है। तो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि क्या क्या दे रखा है गिवन डेटा। फिर जो डाटा मिस हो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है याद रखने के लिए कि आपको कौन से स्केल पे बनानी है ताकि ड्राइंग शीट पर हमारी ड्राइंग अच्छी तरीके से कम जगह में आ जाए और सारी डिटेल हम दिखा सकें। तो देखिए, जैसे थिकनेस ऑफ वॉल कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, तो 30 से 40 सेंटीमीटर तक ले लेना। और जब उस पर स्टील ट्रस टिकाई जाएगी दीवारों पर, तो वहाँ सीसी बेड प्रोवाइड किया जाता है। अगर दीवार तुम्हारी 30 की है तो 20x20x20 लेना है। अगर दीवार हमारी 40 सेंटीमीटर थिक की है तो उसमें सीसी बेड लेना है 30x30x30 सेंटीमीटर। सबसे पहले ड्राइंग बना स्टील ट्रस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में राइज दे रखा होगा और स्पैन, तो आपको स्लोप निकालना होगा किस एंगल पे हमें बनानी है। तो स्लोप बराबर होता है राइज अपॉन हाफ स्पैन, ठीक है। अब स्केल कौन सा यूज़ करते हैं ट्रस में? अगर आप 110 से ज़्यादा यूज़ करोगे तो बहुत छोटी बनेगी और एंगलों का माप बहुत कम होता तो इसलिए बन नहीं पाएगी। 15 पे इतनी बड़ी बनेगी कि ड्राइंग शीट पर नहीं आएगी, इसलिए सुइटेबल स्केल जो होता है वो 110 होता है। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें स्पैन दे रखा है 6 मीटर। इसका राइज जो है, राइज दे रखा है 1.5 मीटर। तो आपको कैसे निकालना है एंगल? टेन थीटा बराबर 1.5 अपॉन हाफ स्पैन, यहाँ तक का हाफ स्पैन लेना पड़ेगा। तो हाफ स्पैन कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो इसे कैलसी से डिवाइड करो और एंगल निकल आएगा आपका। एंगल कैसे? आपको एंगल दिखाना है 1.5 डिवाइड बाई 3, ये आया 0.5। इसीलिए यहाँ पे 10 थीटा बराबर 10 इनवर्स हो जाएगा। शिफ्ट 10 इनवर्स, आंसर ये निकल आएगा आपका 26.56 डिग्री। ये एंगल निकल आया, ये एंगल यानी इसका एंगल होगा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 मीटर विस्तार व 1.5 मीटर ऊंचाई की एक रिवेटेड स्टील छत का सम्मुख दृश्य उचित मापक पर खींचें। टाई धरन, ये टाई बीम होती है, और मुख्य राफ्टर, ये डबल एंगल सेक्शन है। ये लिखना है 2LS, इसका मतलब होता है डबल एंगल सेक्शन। एंगल का साइज़ क्या है? 50x45x6। कल मैंने स्टील में आपको एंगल पढ़ाया था। अगर इसकी दोनों टांग बराबर हैं तो वो इक्वल एंगल होता है, लेकिन इसकी टांग दोनों बराबर नहीं है तो ये कौन सा एंगल है? अनइक्वल एंगल। इसकी मोटाई 6 mm है। अन स्ट्रेट जो होते हैं, मतलब जैसे ये और जो भी हैं, ये होता तुम्हारा टाई बीम, ये होता प्रिंसिपल राफ्टर, बस बाकी के सब स्ट्रेट होते हैं। इनके लिए एंगल आपको कौन सा यूज़ करना है? सिंगल एंगल 50x45x6 का। अब 30 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई दे रखी है, ठीक है, और स्वयं आंकड़ा जो ना दे रखा हो खुद मान लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्केल मानेंगे। स्केल पर क्या? 6 मीटर। 6 मीटर का आप कैसे करोगे? 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1/10, तो ये 60 आ गया। तो आप क्या करोगे? 30, ये पूरा 60 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, ठीक है। और इस एंगल की माप कितनी है? 50, ऐसे करके 50 है, तो 110 के स्केल पे 0.5 आ गया है। तो 0.5 यानी 5 mm का लेना है, ऐसे करके ऐसे बनाना है। तो मैं इसे आपको डिटेल में दिखाता हूँ, हालांकि मैंने ये रफली बनाई है, लेकिन आपको स्केल के थ्रू बनानी है। देखिए, गिवन डाटा है 6 मीटर, राइज देर का 1.5, 10 थीटा बराबर 1.5 बाई स्पान का आधा 0.5, थीटा बराबर हो जाएगा 26.56।
एज्यूम डाटा सुइटेबल इफ नॉट गिविन। टाइप ई में दे रखा है टू एंगल सेक्शन 50x45x6 mm का, अदर स्टेट दे रखे सिंगल एंगल में 50x45x6, थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे दीवार बनाओ 30 सेंटीमीटर की, तो 110 के स्केल पर 3 सेंटीमीटर निकल आएगा। ये दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 30 की दीवार होती है तो सीसी बेड प्लेट जो होती है, सीसी ब्लॉक, उसको प्रोवाइड किया जाता है 20 का। अगर ये 40 की होती तो ये 30 का, तो इसका साइज होता है 20x20x20, यानी 20 यू नापो 20 यू नापो, और ऐसे करके ब्लॉक बना देना। अब ब्लॉक बनाने के बाद इस पर दो प्लेट बिछाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट प्लेट होती है तुम्हारी बेयरिंग प्लेट, जो आपकी नीचे वाली होती है ये वाली, इसके ऊपर एक स्लाइडिंग प्लेट होती है, और ये 1-1 mm की ले लेना दोनों, ठीक है ना, या 2-2 mm की। ये देखो 20x20 का लिख रहा है, 2-2 mm की लेनी है मोटी 1.2। और ये रैक बोल्ट होता है यानी फाउंडेशन बोल्ट, इसे कस देते हैं। तो यहाँ से अब ये जो एंगल है ये टाई बीम वाला है, डबल एंगल है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, एंगल आपने देखा होगा, एंगल कल मैंने आपको बताया था इस तरीके का एंगल होता है, ठीक है ना, ऐसे करके एंगल होता है, ऐसे करके ये एंगल होता है। तो ये बनाना हमें, सपोज करो मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, तुमने उसमें देखा ऐसे करके, जब तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें ये मोटा ही नज़र आएगी, इसकी नहीं आएगी। तो यानी तुम्हारे पास ऐसी तो बनेगा, ऐसे करके ये इसका ऐसे बनेगा। तो ये डबल लाइन आई नहीं, तो ये वाली लाइन यहीं पर आएगी, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे हमारी तरफ खड़ी है, तो हमें ऐसे दिखाई देगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मोटाई जो है वो 50 है, यानी 5 mm, 110 के स्केल पर 5 mm हो जाएगी। तो 5 mm का ऐसे खींचो और ये स्पैन नाप लो, जो इतना 6 मीटर यानी जितना भी आएगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ब्रेक करके दिखा देंगे ताकि ड्राइंग पर बड़ी ना बने। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये 6 मीटर पूरा दिखा दिया शॉर्ट ब्रेक करके। ध्यान रखना फिंग ट्रस में 3 स्पैन में डिवाइड होता है, जो आपकी सेफ दे रखी होती है, एग्ज़ाम में ऐसी सेफ आएगी आपके पास। तो 1, 2, 3, 6 मीटर का 2-2 मीटर का भाग हो गए। तो हम क्या करेंगे, 2-2 मीटर स्केल के अकॉर्डिंग नाप लो, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 60 हो गए टोटल, ठीक है ना, 600 हो जाएगा। अब क्या करना आपको, इसके 3 भाग कर लो, 6 मीटर के, 60 सेंटीमीटर के, जो आपका निकल के आएगा 110 के स्केल से, तो 20 20 20 ऐसे करके। तो यहाँ पर एक मार्क कर लो, एक यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो आपने एंगल इस पर प्रोवाइड किया है, यहाँ पर रैग बोल्ट लगा दिया। रैग बोल्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक का सेंटर पॉइंट निकालो, सेंटर पॉइंट पर यहाँ बिंदु मार्क कर लो, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से राइज, या इसका पूरे का जो मध्य बिंदु होगा वो 3 मीटर होगा। 3 मीटर पे एक लाइन ऐसे डेड डेड खींचो। अब इस पर राइज नाप लेते हैं हम, राइज कितना दे रखा है इसके, यहाँ से ऊपरी सिरे से राइज नापो, राइज 1.5 दे रखा है, यानी 15 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर नाप लिए, तो एस लाइन को ऐसे करो, यहाँ पर जो क्रॉस होगा ये वाला पॉइंट, तो ये एक्सेस होंगे। तो यहाँ से क्या है, अब इस एक्सेस से इस एक्सेस को मिलाओ, इस एक्सेस से इस एक्सेस को मिलाओ, तो इस ये जो एंगल है ये भी 50 का है, तो 2.5 mm ऊपर 2.5 mm नीचे, यानी 5 mm का पूरा एक एंगल बिछा दो ऐसे करके। ध्यान रखना एंगल में कभी मिलाते नहीं, एंगल यहाँ पे जैसे ही यहाँ टच हो जाए तो यहाँ पे बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, यानी इसे बंद कर दो, ऐसे यहाँ पे बंद कर दो, ये एंगल बन गया, ऐसे इधर का एंगल बना दो। अब क्या है, अब ये जो 2-2 मीटर के आपने डिवाइड किए थे, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो 2 मीटर का एंगल ये आया एक्सेस, इस एक्सेस से यहाँ पर बिल्कुल ये जो है इसका मिड पॉइंट, यानी ये जितना भी लंबा होगा नाप लेना उसका आधा कर देना, या फिर एक काम करना यहाँ पर चांदा रख, मतलब इस पॉइंट पर ये 90 का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये 5-5 mm का फिर दोबारा से ऐसे खींचना है, ऐसे ये खींचना है, इन दोनों को बना दो, ऐसे इधर का बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पर्निल बनता कैसे है, देखो ये जो पर्निल है ये पर्निल बनता कैसे, बोल्ट कई टाइप के होते हैं, जे टाइप का बोल्ट होता है, एल टाइप का, एंगल से बनता है। तो हमने कौन सा प्रोवाइड किया है हम आपको बताते हैं। आपको देखो ऐसे बनाना है, सबसे पहले जैसे ये आपका क्या है प्रिंसिपल राफ्टर, ये क्या है कॉमन राफ्टर, आपको पन्नेल लगाना है। सबसे पहले ऐसे खींचिए 2 mm की लाइन, इसके बाद ये एक एंगल आएगा ऐसे ऐसे, फिर एक इधर से छोटा सा एंगल प्रोवाइड करो, तो यहाँ पर रिवेट लगा देते हैं ऐसे करके, ये बन गया। और यहाँ पर ऐसे करके ढिमरी लगा के एक बोल्ट लगा दो, ये पन्नेल बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पर्निल बनाने, ये वाले ये भी एंगलों से मिलकर बना होता है और ये बोल्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे अब ये बिंदी बिंदी से क्या है, ये रिवेट होती है। तो रिवेट का सिंबल देखो, आपको बहुत सी किताबों में आपको ऐसे गोल गोल मिलेंगे ऐसे करके, जैसे ये वाला तुम्हारा वो है
कॉमन ड्राफ्टर यहाँ पे ये लगा दिया। लेकिन अगर तुम ऐसे करके ऐसे उसमें प्लस का साइन बना देना, ऐसे करके ये रिबिट का सिंबल होता है प्लस का साइन, गोल करके उसमें प्लस का साइन बना देना। तो और ये क्या है, देखो ये होता है, तुमने देखा होगा एक मेंबर को दूसरे जोड़ते हैं, पीछे स्टील की एक चादर लगा देते हैं, उसे बोलते हैं गजेट प्लेट। गजेट प्लेट का कोई साइज़ नहीं होता, ओनली थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो ये जो गजेट प्लेट है 10 mm थिक हमने मानी है। तो देखो जैसे मुझे ये एंगल हमने ये ऐसे वेल्ड या रिबेट द्वारा जोड़ दिया, तो ये जुड़ेगा कैसे, क्योंकि ये तो ये सीधा जा रहा है, ये 90 पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पत्ती लगाएंगे, ये डेड डेड डैश आ रही है क्योंकि ये इसके पीछे लगी हुई है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, नहीं ये दिख रही है, यहाँ पर इसके पीछे लगी हुई है। तो जो एंगलों में आती है वो पीछे होती है, वो डेड डेड डेस आती है हेड इन वाली। तो ऐसे करके हमने, और ये ध्यान रखना कभी भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करना कि ऐसे लगा दी, हमेशा एंगल के 90 पर आती है ऐसे करके। फिर यहाँ से यूँ बना दिया, यहाँ से यूँ यूँ, इसका कोई साइज़ नहीं होता, आप चाहे बड़ी लगा दो चाहे छोटी लगा दो, जो आपको अच्छा लगे। और ये रिबेट लग रही है, देखो ये रही, ये रिबेट, ये रिबेट, ये रिबेट, ये रिबेट, इस तरीके से। अब क्या है, अब तुमने जो ये दो जो था तुम्हारा 2 मीटर का एक भाग था, तो यहीं से फिर इसके एक्सेस पे यहाँ पे एक लंब डालो, ऐसे एक्सेस बनाओ, तो फिर उसमें 2.5 mm इधर उधर नाप लो। फिर ऐसे करके ये भी बना दिया, तो यहाँ पे इन्हें भी गजेट प्लेट से जोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे तीन तीन रिबेट लगा दो। मिनिमम नंबर ऑफ रिबेट हम दो प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी भी कर दो, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर जैसे दो किए हैं, यहाँ पर तीन किए हैं। तो एक बार SSCJ में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि स्टील ट्रस बनाते समय मिनिमम नंबर ऑफ रिबेट कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसका आंसर था 2। ये जो होता है ये एडजस्टेबल रिस्क कोपिंग होती है, ये आपका एंगल परनेल होता है जो मैंने आपको बताया, इसका साइज़ वही है जो इस, चूँकि क्वेश्चन में कह रखा है अन्य सभी एंगल यही साइज़ के हैं, ठीक है ना। स्केल हमने देखो स्टील रूफ ट्रस या फिंक ट्रस लिख देना, ऑन स्केल 110 पे बनाया है। और ये सिंबल होता है कंटिन्यूस का, यानी आगे हमारी ड्राइंग और है सेम, इधर इस साइड की होगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी ऐसे ही। ये स्ट्रट होता है, यानी एस एंगल का मतलब सिंगल एंगल, 50x45 स्ट्रट, देखो इसमें सिंगल एंगल का दे रखा है। और ये तुम्हारी टाई बीम है, ये डबल एंगल का दे रखा है, और प्रिंसिपल राफ्टर भी डबल एंगल के दे रखे हैं ये वाला, ये गटर हो गया, ठीक है। ये इसके नीचे एंगल प्रोवाइड कर देते हैं, और ये जो होता है ये यहाँ से उठा हुआ फिर नीचे, इसे बोलते हैं हम ईप्स, मतलब एक तरह से गटर के लिए लाइन आती है तो इसे ईप्स बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। और यहाँ पे एक ये जो है 15 mm का, यानी 1.5 mm का स्केल के अकॉर्डिंग 1.5 mm का निकाल लेना, ये एक्सपेंशन जॉइंट होता है, तभी तो ये स्लाइडिंग वाली प्लेट लगी हुई, क्योंकि कभी अगर इसमें एक्सपेंशन वगैरह हो तो ये ऐसे ऐसे करके सरक जाएगी, ठीक है। और ये रिबेट का डाया लिख दिया, 15 mm डाया के हमने रिबेट यूज़ किए गए, ठीक है। ये मैंने रफली बनाई थी, लेकिन जब मैं ड्राइंग वगैरह, आप टेंशन ना लेना, मैं सारी ड्राइंग आपको ऑन हैंड अपने हाथ से ड्राइंग बोर्ड से बना के धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँगा, उसके बाद जब ड्राइंग बन जाएगी तो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप क्या करना, अपनी बुकों में देखो ये आपके पास है, ये मैं इसकी PDF दे दूंगा, ऐसे बनाओ, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, इतना तो जानते हैं 110 का स्केल यूज़ करना है हमें बस, ठीक है ना। और जो माप दे रखी है उसमें 10 का भाग लगाते हैं, जो जो आए नापते बनाते जाओ। इसका रूल यही होता है कि 3 भागों में डिवाइड करो, सबसे पहले स्पेन को, सबसे पहले थीटा निकालते हैं, थीटा यहाँ से नाप लो, थीटा क्या है, इसका जो सेंटर होगा और इसका सेंटर, यहाँ से थीटा बनेगा, ठीक है ना। जनरली कैसे, जैसे आपने थीटा निकाला, आप क्या करोगे ऐसे करके, एक एक्सिस ये वाला तो है ही है, तो ये एक्सिस आपने नाप लिया 26 डिग्री। अब क्या है, इसका ये तुम्हारी क्या टाई बीम, तो इस पर 5 mm लेना, तो 2.5 mm ऊपर ही हो, 2.5 mm ऐसे नीचे नहीं हो, सपोज करो ये यहाँ तक ऐसे हमने ले लिया, तो अब यहाँ से लेना तो 2.5 mm इधर से नापो, 2.5 mm इधर से, तो जैसे ही ये लाइन पे यहाँ टच हो जाए यहीं से ऐसे उठा देना, बस बन गया, ठीक है ना। और 2 2 मीटर पर, जैसे 2 मीटर यहाँ से ये दीवार है तुम्हारी, यहाँ से 2 मीटर नाप ये आया, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, इसका सेंटर ये होगा, तो इस लाइन को सेंटर तक बढ़ाते जाओ ऐसे करके, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में बताना, ज़्यादा टफ नहीं है, देखने में अजीब लगेगी आपको, लेकिन आप बारीकी से बुक में वगैरह नोटिस करोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने लकड़ी वाली तो ट्रस बनाई है ना, सेम वैसे ही प्रोसीजर है, नाम सब आपको मालूम है, सारे नाम लिखे हुए हैं। ये टाई बीम होती है, ये प्रिंसिपल राफ्टर होता है, ये कॉमन राफ्टर होता है, ये स्ट्रट होती हैं सारी, ठीक है ना। स्ट्रट का कोई एंगल नहीं है यहाँ पर, उसमें तो 45 के एंगल पर इंक्लाइड करते थे 30 के पर, इसमें क्या जो एंगल ये दे रखा है उसी का ये जो
ये प्रिंसिपल आफ्टर जो है इसका मिड पॉइंट निकाल लो, उससे इससे मिला दो 2 मीटर को, ऐसे ही 2 मीटर को इसके सेंटर से मिला दो, ये एक्सेस है ये वाला, सही है। और इसका एक्सेस देखो ये जा रहा, मैंने थोड़ा सा खींचा तो कि गंदी ना हो जाए ड्राइंग, इसका एक्सेस ये रहा। सबसे पहले एक्सेस ही बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तो बताना।